हे एवरी वन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो हम आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और कुछ MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, डस्ट एंड गैस दैट ऑर्बिट आवर लोकल स्टार सन। सोलर सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? प्लैनेट्स आते हैं, मून्स आते हैं, एस्ट्रॉयड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, डस्ट एंड गैस। इन सब चीज़ों को मिला के क्या बना है? सोलर सिस्टम, है ना। और एक लोकल स्टार जो सेंटर में रहता है सोलर सिस्टम के, उसको क्या बोलते हैं? सन। तो क्या हम बता सकते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट, डस्ट, गैस। दीज आर कलेक्शन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या होता है? सन होता है। और सन क्या है? एक स्टार है, है ना। तो अगर क्वेश्चन आया सन इज अ, तो सन इज अ स्टार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स को भी बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो किस प्लैनेट को क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड द रॉकी इनर प्लैनेट मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। यानी रॉकी इनर प्लैनेट किसको बोलते हैं? जिन चारों को इनर प्लैनेट बोलते हैं, मर्करी को, वीनस को, अर्थ एंड मार्स। ये चारों क्या है? इनर प्लैनेट है। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो गैस जेंट प्लैनेट, गैसियस जेंट प्लैनेट किसको बोलते हैं? जुपिटर एंड सैटर्न को। एंड द आइसी जेंट प्लैनेट किसको बोलते हैं? यूरेनस एंड नेपच्यून को। तो गैस जेंट प्लैनेट जुपिटर हो गया, और कौन हो गया? सैटर्न हो गया। और आइसी जेंट प्लैनेट कौन हो गया? यूरेनस एंड नेपच्यून। इसीलिए यूरेनस जो है ये कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम माना जाता है, ठीक है। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, यानी ये आप देख रहे हो ना, फोर्थ प्लैनेट कौन सा है? मार्स, यानी मंगल ग्रह, है ना। एंड जुपिटर, इन दोनों के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, ठीक है ना। वाइल बियॉन्ड नेपच्यून इज वेयर स्मॉल आइसी बॉडी। और नेपच्यून के बाद कितने टोटल कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। पहले कितने होते थे? आज से आप 15-17-18 साल पहले अगर आप बात करते थे तो प्लैनेट हम 9 पढ़ते थे। बट अभी हम कितने प्लैनेट पढ़ते हैं? टोटल 8 प्लैनेट। तो हाउ मेनी प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम? टोटल 8 प्लैनेट। तो नेपच्यून तक हम प्लैनेट को काउंट करते हैं। आफ्टर नेपच्यून प्लूटो और बहुत सारे क्या होते हैं? कॉमेट्स मिलते हैं ना, कॉमेट्स मिलते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? स्मॉल आइसी बॉडी होती है ना, आफ्टर नेपच्यून। नेक्स्ट हम प्लूटो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। व्हाई प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट एनी मोर। प्लूटो को हम प्लैनेट क्यों नहीं मानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग स्कूल में थे तो हमने 9 प्लैनेट के बारे में पढ़ा था, उसमें हम प्लूटो भी पढ़ते थे। लेकिन जब इंटरनेशनल एरेस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, मीटिंग हुई, तो उसमें प्लूटो को क्या किया गया कि प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। कब हटाया गया? इन अगस्त 2006 में। अगस्त 2006 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, उसमें पाया गया कि प्लूटो क्या है? प्लैनेट नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में हम देखते पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या होता था कि कभी भी किसी कोई भी मतलब प्लैनेट क्यों कहेंगे, क्योंकि उसके पास 3 क्रिटेरिया होनी चाहिए थी ना, 3 चीज़ें उनके पास होनी चाहिए जिससे वो प्लैनेट कहलाएगा। पहला क्या होगा? द ऑब्जेक्ट मस्ट ऑर्बिट द सन। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट यानी मूव करता हो, उसके ऑर्बिट में मूव करता हो, तो वो होना चाहिए। दूसरा क्या क्वालिटी होनी चाहिए प्लैनेट होने के लिए? वो स्पेरिकल शेप का होना चाहिए। किस शेप का होना चाहिए? स्पेरिकल शेप का होना चाहिए। और तीसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट में ना इंटर करे, उसके रास्ते को ना कट करे, ठीक है ना। तो प्लूटो के साथ ये हो रहा था कि प्लूटो के पास तो ये पहली क्वालिटी भी थी, दूसरी क्वालिटी भी थी कि वो स्पेरिकल शेप का था, वो ऑर्बिट सन के ऑर्बिट में मूव कर रहा था। बट तीसरी क्वालिटी जो थी उसके पास नहीं थी, क्योंकि वो क्या कर रहा था? नेपच्यून के पाथ को कट कर रहा था। क्योंकि प्लूटो से पहले क्या आ रहा था? नेपच्यून। तो क्या होता है ना कि इस तरह राउंड 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 प्लैनेट क्या करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में कोई भी प्लैनेट क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो उससे क्या हो रहा था कि सब मूव कर रहे थे,
सारे प्लैनेट अपने ऑर्बिट में, बट प्लूटो क्या कर रहा था, नेपच्यून के पाथ को कट कर रहा था। इस चलते क्या रिजल्ट निकला कि इंटरनेशनल एरास्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बोला कि प्लूटो के पास वो थ्री क्वालिटी नहीं है जो एक प्लैनेट के पास होनी चाहिए, इसलिए प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। ठीक है, चलिए अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं वीनस के बारे में। ठीक है ना, अ डे ऑन ए वीनस इज लॉन्गर देन अ ईयर। जो वीनस का एक दिन होता है वो एक साल से भी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है ना, और वीनस क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट है ना, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। किसको बोलेंगे, वीनस को बोलेंगे। देखो मरकरी जो है वो सबसे पास है सन के, फिर भी मरकरी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं कहलाता है। कौन कहलाता है, वीनस कहलाता है। ठीक है ना, अनलाइक अदर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वीनस स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वीनस कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ईस्ट टू वेस्ट। और वीनस की तरह एक और प्लैनेट है यूरेनस, यानी यूरेनस एंड वीनस किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बाकी अदर जो प्लैनेट हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वीनस इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन अ नाइट स्काई आफ्टर मून। आप रात में देखोगे सबसे ज़्यादा चमकता है वो मून है, नेचुरल ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर कोई ज़्यादा चमकीला दिखता है आसमान में वो कौन है, वीनस है। ठीक है, अर्थ आ गया हमारा, अर्थ अभी इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, आवर होम प्लैनेट अर्थ इज द रॉकी टेरेस्टियल, यानी अर्थ क्या है, टेरेस्टियल प्लैनेट है, रॉकी प्लैनेट है। इट हैज़ अ सॉलिड एंड एक्टिव सरफेस विथ माउंटेन वैलीज प्लेन्स एंड सो मच। यानी अर्थ पे क्या, एक अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर क्या है, माउंटेन मिलेंगे, एक्टिव सरफेस होगा, टेरेस्टियल प्लैनेट है, वाटर मिलेगा, है ना, इसलिए हम क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ वाटर। अर्थ इज अ स्पेशल बिकॉज इट इज एन ओशियन प्लैनेट। ओशियन प्लैनेट क्यों करके, क्योंकि 70% क्या है, अर्थ पर क्या है, पानी है, इसके कारण उसको ओशियन प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू द ह्यूमन। हम कौन से सन के कौन से पार्ट को हम देखते हैं, जो हम यहाँ यहाँ धरती से देखते हैं ना, वो कौन सा पार्ट देख पाते हैं। ऑप्शन ए फोटोस्फेयर, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी क्रोमोस्फेयर एंड ऑप्शन डी कोर। तो हम कौन से पार्ट को देखते हैं, यहाँ से एक ह्यूमन कौन से पार्ट को देख सकता है, वो कौन सा पार्ट है, फोटोस्फेयर, यानी ये फोटोस्फेयर है जिसको हम देखते हैं। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स। जैसे ग्रहण लगता है ना, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स होता है ना, तो उस टाइम हम कौन से पार्ट ऑफ सन को देखते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन क्या है, फोटोस्फेयर, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी क्रोमोस्फेयर एंड ऑप्शन डी कोर। तो हम कौन से पार्ट को देखते हैं, कोरोना को देखते हैं। कब देखते हैं, एक्लिप्स के समय। ठीक है, आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइम टेकन बाई द लाइट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ। सन की लाइट जो है धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लगाती है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 9 मिनट, ऑप्शन सी 7 मिनट 16 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 8 मिनट 20 सेकेंड। तो आवर आंसर विल बी 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत सारी बुक्स में 8 मिनट्स या अप्रॉक्स हम 8 मिनट बोलते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर पूछता है एग्जामिनेशन में तो आप क्या बताओगे, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है ना, तो सन की जो रोशनी है, सन की लाइट धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग। ऐसा कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसकी प्रोमिनेंट रिंग है, यानी रिंग प्लैनेट बोलते हैं उसको। तो कौन सा प्लैनेट है, ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी नेपच्यून। तो किस प्लैनेट में है रिंग प्लैनेट, किसको बोलते हैं, आंसर विल बी सैटर्न। सैटर्न जो प्लैनेट है उसके चारों तरफ ऐसी आपको रिंग दिखाई देगी। ठीक है ना,
तो रिंग प्लैनेट किसको बोलते हैं? सैटर्न को। और फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द साइज। साइज के अकॉर्डिंग, साइज के मुताबिक जिसकी सबसे बड़ी साइज है वो कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर, है ना। वैसे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विल बी जुपिटर, है ना। तो ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी नेपच्यून एंड ऑप्शन डी यूरेनस। तो आंसर विल बी जुपिटर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है, और मैं आज टॉप 25 क्वेश्चन प्लैनेट से लेकर आई हूँ एंड सोलर सिस्टम से। तो आई होप ये सब आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ स्टडी विथ इज 24x7 पर। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑफ द प्लैनेट, क्रोनोलॉजी ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। साइज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा प्लैनेट बड़ा है, उसके बाद कौन सा है, मतलब सबसे बड़े प्लैनेट को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस तरह हमें रखना है। तो देखो, इन सब में सबसे बड़ा अर्थ है, उसके बाद वीनस है, देन मार्स, और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? सोलर सिस्टम इज द मर्क, तो क्या हम बोलेंगे? मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो क्रोनोलॉजिकल में ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सबसे पहले हम अर्थ को रखेंगे, उसके बाद वीनस को रखेंगे, देन मार्स को रखेंगे, देन मर्क्यूरी को रखेंगे। 4, 3, 2, 1 विल बी द आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टेक्स द शॉर्टेस्ट रिवोल्यूशन। शॉर्टेस्ट रिवोल्यूशन किसका है? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी मर्करी, ऑप्शन डी वीनस। तो आंसर विल बी मर्करी। मर्करी का शॉर्टेस्ट रिवोल्यूशन है, क्योंकि सब क्या है, ये सबसे पास में है सन के, इसीलिए इसको रिवोल्यूशन में टाइम कम लगता है, ठीक है। फाइंड द जोवियन प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग। जोवियन प्लैनेट इसमें से कौन है? सबसे पहले हम समझते हैं कि जोवियन प्लैनेट होता क्या है, ठीक है। जोवियन प्लैनेट रेफर टू ए ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट, यानी जोवियन प्लैनेट में कितने प्लैनेट आते हैं? 4 प्लैनेट आते हैं इन द सोलर सिस्टम। दे आर ऑल्सो नोन एज गैस जेंट प्लैनेट। अभी हमने पढ़ा था ना, गैस जेंट प्लैनेट और आइस जेंट प्लैनेट। तो जोवियन प्लैनेट में 4 प्लैनेट आते हैं। द जोवियन प्लैनेट आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो भी प्लैनेट आते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले क्या आएगा? मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। देन आफ्टर एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाता है, उसके बाद जुपिटर स्टार्ट होता है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर जोवियन प्लैनेट। तो कितने जोवियन प्लैनेट है? 4 जोवियन प्लैनेट है। कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दिस प्लैनेट ऑल्सो कंप्राइज द आउटर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। 4 इनर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट किसको बोलेंगे? मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स को इनर प्लैनेट, और आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आउटर प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट भी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को बोलते हैं, ठीक है ना। इन सबको कई नामों से जानते हैं, यानी जेंट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज हाईएस्ट डेंसिटी। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है? आवर अर्थ की, ठीक है ना। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून एंड ऑप्शन डी जुपिटर। तो अर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो मर्करी तो पास में है सबसे, लेकिन हॉटेस्ट कौन, किसे बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मर्करी, ऑप्शन डी वीनस। तो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वीनस, ठीक है ना। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट पढ़ लिए वीनस, तो कोल्डेस्ट कौन है? यूरेनस, ठीक है ना। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इसीलिए इसको आइसी जेंट प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी यूरेनस। तो कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन होगा? यूरेनस, ठीक है। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी मर्करी, ऑप्शन सी मार्स एंड ऑप्शन डी वीनस। तो रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को बोलते हैं, यानी मार्स को बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप मेरे को ये बताओ
कि कौन सा ऐसा प्लैनेट, कौन सा ऐसा डेजर्ट है वर्ल्ड का जिसकी जो धरती, जिसकी जो क्या सॉइल बोलेंगे या जिसकी जो सरफेस बोलेंगे वो मार्स के सरफेस से मिलता जुलता है, ठीक है ना? ये आपको आंसर में बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? जो आई थिंक मिशन मंगल जो मूवी बनी थी वो इसी इसी मतलब डेजर्ट पर इसकी शूटिंग की गई थी, मिशन मंगल की, ठीक है ना? तो हमारे ये धरती पर एक ऐसा डेजर्ट है यानी रेगिस्तान है जिसकी जो मिट्टी है वो मंगल ग्रह की मिट्टी से मिलती जुलती है और देखने में वैसी है, ठीक है ना? मार्स जो है वो मंगल ग्रह, वो रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आयरन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? इसलिए रेड प्लैनेट इसको बोलते हैं। ए सेरेस्टियल बॉडी इन अ स्पेस दैट ऑर्बिट अराउंड ए लार्ज बॉडी इज कॉल्ड, ऐसी सेरेस्टियल बॉडी जो कि ऑर्बिट यानी चारों तरफ घूम रही है एक ऑर्बिट में एक लार्ज बॉडी के, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। और अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून, ठीक है ना? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए एस्टेरॉयड, ऑप्शन बी कॉन्स्टिलेशन, ऑप्शन सी नेचुरल सैटेलाइट एंड ऑप्शन डी स्टार। तो आंसर विल बी नेचुरल सैटेलाइट। ऐसी ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसा बॉडी जो कि किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमती है उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है? विच प्लैनेट रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ प्लैनेट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं और कुछ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा जो वीनस है एंड यूरेनस, यूवी से याद रख सकते हैं, यूवी रे आपने पढ़ा होगा ना, अल्ट्रा वायलेट रे। तो यूवी से आप याद रख सकते हैं कि यूवी यानी यू फॉर यूरेनस एंड वी फॉर वीनस, ये जो है वो कैसे मूव करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज बोले तो क्या होगा? ईस्ट टू वेस्ट। एंड जो अदर बाकी इन दोनों को छोड़ के अदर जो प्लैनेट हैं, टोटल 6 प्लैनेट यानी मरकरी, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, ये सब कहाँ कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लैनेट वीनस रोटेट क्लॉकवाइज। वीनस के साथ और क्लॉकवाइज कौन घूमेगा? यूवी से याद रखना है ना, यूरेनस। रोटेट द रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजल, इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वाइल द अर्थ मार्स मरकरी रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसको याद रखना है ना, कंफ्यूज नहीं करना है कौन सा प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट घूमता है एंड कौन सा प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। व्हाई द सन अट्रैक्ट एवरीथिंग इन अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन क्या करता है? सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक पोल, ऑप्शन बी इट इज अ सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑप्शन सी मैग्नेटिक पोल ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट एंड ऑप्शन डी सन्स ग्रेविटी इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स मास। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सन ग्रेविटी इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स मास। सन की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण वो अदर ऑब्जेक्ट या अदर प्लैनेट को अपने तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है? द मून चेंजिंग शेप आर कॉल्ड, फिर शेप जब मून अपने शेप को चेंज करती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ऑर्बिट, ऑप्शन बी फेज, ऑप्शन सी स्पिन एंड ऑप्शन डी टाइड्स। तो ऑप्शन विल बी फेज। मून फेज हमने पढ़ा है ना, तो मून फेज से जब मून अपने शेप को चेंज करती है, कभी फर्स्ट क्वार्टर दिखता है, कभी वो सेमी सर्कल में दिखता है, तो इन सबको क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, ठीक है? व्हेन द मून इज नॉट विजिबल इन द स्काई, देखो जब मून विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है मून में, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टर मून, ऑप्शन बी फुल मून, ऑप्शन डी न्यू मून एंड ऑप्शन डी सेकेंड क्वार्टर मून। तो आवर आंसर विल बी न्यू मून। न्यू मून को और क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं, ठीक है? तो फुल मून को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। और न्यू मून को क्या बोलते हैं? अमावस्या, ठीक है? विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में जो सबसे ब्राइट दिखने वाला स्टार कौन सा है? ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए सेपेला, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन डी सीरस एंड ऑप्शन डी वेगा। तो आवर आंसर विल बी सीरस। ये सीरस है, आप इसका पिक्चर देख सकते हैं कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई है। ठीक है, विच प्लैनेट इज नोन इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। जो आप सुबह उठोगे तो सुबह में कुछ एक एक तारा आपको दिखाई देगा, वो तारा नहीं है एक्चुअली, वो प्लैनेट है, वो स्टार नहीं है। तो इसलिए उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि रात में भी वो दिखता है सबसे पहले और मॉर्निंग में भी दिखता है शाम। तो उस प्लैनेट का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी मर्करी, ऑप्शन सी सैटर्न एंड ऑप्शन डी वीनस। तो आंसर विल बी वीनस। ठीक है, विच प्लैनेट नेचुरल सैटेलाइट्स आर फोबोस एंड डिमोस। नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ा ना, जो कि किसी भी अदर बिगर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है। तो जैसे हमने पढ़ा है ना कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून, उसी तरह दो ऐसे सैटेलाइट है जिसको फोबोस एंड डिमोस बोलते हैं, वो किसके हैं। तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज जुपिटर, आवर सेकेंड ऑप्शन इज मर्करी, आवर थर्ड ऑप्शन इज मास एंड फोर्थ ऑप्शन इज सैटर्न। तो आंसर विल बी मास। फोबोस एंड डिमोस किसके सैटेलाइट हैं, मास के। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं, सैटर्न के। कितने ना हैं, 82। अगर पूछा जाए कि विच प्लैनेट हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो सैटर्न आंसर देंगे। ठीक है ना, गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। और गैनीमेड किसकी सैटेलाइट है, जुपिटर की सैटेलाइट है। ठीक है ना, जो कि सबसे बड़ी सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की। और सबसे छोटी कौन है, डिमोज, जो किसकी है, अभी हमने पढ़ा ना, मास की। देखो मास की दो सैटेलाइट है, फोबोस एंड डिमोस। ठीक है ना, अर्थ की एक ही सैटेलाइट है। ठीक है ना, और वीनस और मरकरी में कोई भी सैटेलाइट है, यानी वीनस एंड मरकरी के पास कोई भी अपना मून नहीं है। अर्थ के पास एक है, मास के पास दो है। और सबसे अगर बोला जाए कि सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट के पास सबसे छोटी सैटेलाइट है, तो क्या बोलेंगे, मास। मास के पास सबसे छोटी सैटेलाइट है, और उस सैटेलाइट का नाम क्या है, डीमोस। ठीक है ना, डीमोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में आए कि लार्जेस्ट सैटेलाइट किसकी है, तो जुपिटर की, उसका क्या नाम है, तो गैनीमेड। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है ना, अब मर्क्यूरी एंड वीनस हैज नो मून, यानी मर्क्यूरी एंड वीनस के पास कोई भी अपना मून या नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। विच इज द स्मॉलेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। देखो आ गया ना ऑप्शन क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए डीमोस, ऑप्शन बी यूरोपा, ऑप्शन सी लो एंड ऑप्शन डी गैनीमेड। तो आवर आंसर विल बी डीमोस। डीमोस इज द सैटेलाइट ऑफ मास, इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। वॉट इज द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मास एंड जुपिटर। मास और जुपिटर के बीच में अभी हमने पढ़ा था ना कि ऑर्बिट ऑफ मास और जुपिटर के बीच में वो जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड। कुछ ये रॉकी रॉक और गैस का ये जो लेयर है यहाँ पर मूव करते रहता है, ठीक है ना, चारों तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। किसके बीच में होता है, मास एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है ना, वॉट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून की कितना होता है, 27.32 डे, यानी 27.32 डे इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इज इन, हाँ, जितना भी जो भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड मूव करते हैं। तो सन के अराउंड मूव करते हैं तो किस कैसे पाथ में मूव करते हैं। आवर फर्स्ट ऑप्शन इज रेक्टेंगुलर पाथ, ऑप्शन बी स्ट्रेट पाथ, ऑप्शन सी इलिप्टिकल पाथ एंड ऑप्शन डी सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर एंड इलिप्टिकल में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आंसर विल बी इलिप्टिकल पाथ, यानी इलिप्टिकल पाथ में, अंडा आकार वाले पाथ में ऐसे ऐसे घूमते हैं। सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं सारे प्लैनेट सन के अराउंड। ठीक है, 24th क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। अर्थ के सबसे पास में कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है। तो ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी गैलेक्सी, ऑप्शन सी मून एंड ऑप्शन डी प्लैनेट। तो आंसर विल बी मून।
सेलेस्टियल बॉडी किसको बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी और हेवेनली बॉडी आर रेफर टू द प्लैनेट, स्टार, मून एंड ऑल द अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द स्पेस. ठीक है. प्लैनेट नोन एज ए अर्थ ट्वीन, अर्थ की ट्वीन यानी अर्थ की सिस्टर किस प्लैनेट को बोलते हैं? तो आंसर विल बी वीनस. वीनस इज द अर्थ ट्वीन. अर्थ की सिस्टर किसको बोलते हैं? अर्थ की बहन कौन है? वीनस है. क्यों है? क्योंकि ये शेप और साइज में अर्थ की तरह दिखती है, इस बहुत मिलती जुलती है अर्थ से, इसीलिए इसको अर्थ ट्वीन कहा जाता है. तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन. आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे. आज के लिए इतना ही. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.